ह्यूज जैकमैन की वुल्वरीन मूवी का ये सीन याद है? ट्रेवस, I think there's a naked man in the barn. Yep. या फिर ये मूवी? And the Lord of the Rings by Frodo Baggins. हाँ, आज की कहानी में क्वींसटाउन के करीब कुछ ऐसे जगहों पे आपको ले चलेंगे जहाँ कुछ इन्हीं हॉलीवुड की फिल्में शूट की गईं, कुछ ऐसे नजारों से भी आपको रूबरू करवाएंगे जिनके नाम में ही स्वर्ग है और जिनके बारे में न्यूजीलैंड में आने वाले काफी टूरिस्ट को पता भी नहीं होगा। साथ ही क्वींसटाउन का एक छोटा सा वॉकिंग टूर और आखिर में एक स्पेशल गेस्ट से आपको मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने हमें एक स्पेशल ट्रीट भी दिया। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हम इस कीवी ट्रैवल प्लेलिस्ट के जरिए आपको न्यूजीलैंड घूमने का हमारा लाजवाब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और साथ ही में ये भी बताएंगे कि कैसे इतना एक्सपेंसिव कंट्री आप अपने फैमिली के साथ बजट में भी घूम सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दीजिए और उसके बाद ही सब्सक्राइब बटन के बगल वाला घंटा बजा दीजिए। एक मस्त टूल है आपको याद दिलाने के लिए कि अरे नया वीडियो आ गया। थोड़ा सोने का टाइम मिला, इतना सुबह सुबह नहीं निकल रहे हैं, बट इट्स स्टिल 8:30 एंड इट्स क्लाउडी, इट हैज प्रॉब्ली रेन्ड ओवर द नाइट एंड इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। आज हम चलेंगे ग्लेनॉर्की, विच इज लाइक 45 मिनट्स फ्रॉम हियर, इट्स अ शॉर्टर टूर, बट द थिंग इज इट्स रिगार्डेड एज paradise on earth for the locals. Probably this is the first time you'll get a view of the morning of Queenstown. Last two days hum itne raat ko nikle the ki matlab raat ko to nahi nikle the, subah nikle the, lekin tab bhi yahan pe to raat thi. The sun wasn't out at 6:30 or 7. Abhi hum seedha chalenge Shotover Street ki taraf aur wahan pe hamara पिकअप रहेगा। Do I have any Lord of Rings fans on board? ये ग्लेनॉर्क की ट्रिप हमने ऑल्टीट्यूड टूर्स के साथ किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ट्रिप में हमारी लेडी ड्राइवर कम गाइड थी डो और हमारे साथ ही मुसाफिर कुछ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से और कुछ एज यूजुअल चाइना से थे। पिछले रात की बारिश ने जैसे क्वींसटाउन की खूबसूरती को और ज्यादा निखार दिया। ग्लेनॉर्की पहुंचने से पहले हम बेनेट्स ब्लफ पॉइंट पे रुके, जहां से व्यू कुछ ऐसा था। और फिर हम पहुंचे मेरे अब तक के जीवन में देखा हुआ सबसे सुंदर टाउन ग्लेनॉर्की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ग्लेनॉर्की टाउन पहले एक रेलवे स्टेशन था। इनफैक्ट ये न्यूजीलैंड का सबसे छोटा रेलवे लाइन था। ये लकड़ी से बने रास्ते के ऊपर रेलवे ट्रैक थे, जहां से फ्रेट ट्रॉली लाया जाता था बोट शेड से पानी पे रुके स्टीमर्स तक, क्योंकि पानी ही एक जरिया था जो कई सालों तक ग्लेनॉर्की को क्वींस टाउन से जोड़ता था। तो चाहे बिजनेस हो या टूरिस्ट, सभी को पानी के जरिए ही आना जाना पड़ता था 1962 तक। 1999 में एक फ्लड हुआ जिससे ये ग्लेनॉर्की बोट शेड पूरी तरह से तबाह हो गया, इसको वापस से रीबिल्ड किया गया जो आज के दिन में आपको ऐसा दिखता है। यार
कुछ ऐसे जगह पे जाओ तो फिर ऐसा फीलिंग आता है, आप सभी को भी आता होगा कि यार घर ले लेते हैं, यहीं पे रह जाते हैं, काम करने की जरूरत है नहीं, एक स्कूल में पढ़ाते लगेंगे, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं ज़िंदगी से, कपड़े सनग्लासेस जो पहने हुए हैं क्या फ़ायदा, घूमने के लिए काम आते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी अगर ये व्यूज़ देखते हैं तबीयत भी ठीक रहेगी, आंखें भी ठीक रहेंगी, डॉक्टर्स भी यहाँ पे ज़्यादा हैं नहीं। One of the things that I fell in love with in New Zealand are the colours in of nature in general. Got the blue of the lake, and then the brown of the mountains, and then so many shades of green of all the bushes. ब्रेकफास्ट के लिए हम जंगल में आके रुके, और ये वही जंगल है जहां लॉर्ड ऑफ द रिंग शूट हुआ था। याद है जब फ्रोडो बैगिंस फेलोशिप छोड़ के भागता है और फिर बोरोमीर बाकी दो हॉबिट्स को बचाते हुए मारा जाता है। The doe has brought with her some Lord of the Rings costumes, and she's gonna make us wear them. And probably we're gonna take some photos and videos. Nice experience, eh? I just need you to have fun with the costume because that's Gandalf's staff. Now this is plastic, so it is very light. But this. Does it have the powers? Wow. Does it have the powers, the Gandalf staff? Yes, I have the beard, I have everything. This is the Aragorn sword. Yeah. This is the actual weight that Viggo Mortensen was using while he was fighting. Oh. So all the props of all the other actors, they were of course plastic, or the armor of the extras was all plastic, was all very light. This was the actual weight that he was fighting with. Have a feel, and if you want to swing it around, just do it away from everyone, please. But it is quite heavy, so have a feel, dress up, take some good photos, and I'll be setting up some morning tea for you guys. I think this is a pretty good backdrop for some photos, right? Yeah. Have at it, guys. Slimmy, come here, you got to put the ears on. And then maybe the cape as well. These are the right size for Bilbo, isn't he? Yeah, yeah, yeah. He can definitely do that. Go on, off you go. Alright, I need to push this on a little bit, but I'm just trying not to. He's got a very big thing. Stand or do not pass this way, is it? Yeah, you shall not pass. You shall not pass. There you go. Your turn next. Get you your sticks. Oh, your stuff. He's exactly the Gandalf. But I can't see his face. You shall not pass. The other side. What's wrong? Yeah, I'll just get you on that side. Your ring. Look, it's like look here, Pete. Are you looking here, Peter, or not? can't see a thing. और फिर हम पहुंचे ऐसी जगह जिसका नाम ही पैराडाइज है. क्यों? खुद ही देख लो. पैराडाइज में आर्केडिया नाम का एक फेमस बंगलो है, जिसकी एक रोचक कहानी है। करीब 20 साल पहले की बात है, जब यहाँ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी का शूटिंग चल रहा था, तब पीटर जैक्सन, जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस जगह को खरीदने के लिए उस वक्त के आर्केडिया के मालिक, जो एक फार्मर था, उसको कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफर किए थे। इनफैक्ट एक बहुत ही बड़े ग्लोबल बेवरेज कंपनी ने भी इस जगह के लिए कुछ ऐसे ही रकम ऑफर किए थे, लेकिन इस फार्मर ने दोनों ऑफर ठुकरा दिए, क्योंकि
उनको यहीं जीना था और यहीं मरना था। उन्होंने करोड़ों की दौलत को प्रकृति की ऐसे लाजवाब जगह में शांति से रहने और अपनी शीप फार्मिंग के लिए छोड़ दिया था। ज्यादातर न्यूजीलैंडर्स ही ऐसे होते हैं, उन्हें दौलत और शोहरत से ज्यादा जिंदगी को खुशी से जीने का शौक है, जो उन्हें अपनी प्रकृति और लोगों से मिल जाता है। आर्केडिया कुछ ज्यादा प्लानिंग से तो नहीं बनाया गया था, 11 कमरे थे और बस एक बाथरूम, लेकिन इसका लोकेशन ही कुछ ऐसा था कि अभी के जो ओनर हैं इसके, उन्होंने पुराने वाले से इसको $7 बिलियन से खरीदा था। जस्ट इमेजिन। लास्ट दो स्टॉप्स वो फिल्मिंग लोकेशंस थे जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। पहला था वुल्वरिन मूवी का वो बाण, जहां वुल्वरिन मेजर स्ट्राइकर के चंगुल से भागकर एक बुजुर्ग कपल के घर में जाकर रुका था। Okay, and then they feed him, they give him some food, some clothes, and he becomes pretty good friends with them. But then the next day, the bad guys find him, and they blow up the barn, and he's jumping out on a motorcycle, being chased by a helicopter, very spectacular. Mm-hmm. That was all filmed over here. That is a pretty good example of the scene. और दूसरा था Lord of the Rings का एक और location, जहाँ से Mount Earnslaw दिखता है। तो Lord of the Rings के fans, इन पेड़ों से कुछ याद आ रहा है? कमेंट में बताना। आलू पराठा $7। वाव। ठीक। এই দুটো বাঙালিটা চালাই হয়তো দুর্গালে খেয়ে ভাত দিতে গেছে। ওকে, সো উই আর ইন বলিউড। তো আমরা চিকেন রোগন জোশ অর্ডার কিয়া হ্যায় 24.99। পতা নেই কেউ ইয়াহ পে তো $25 কা रेट दिया हुआ था, लेकिन उनको बिल हुआ बस $23.4। सो इट्स लाइक व्हाट, $1200 होंगे। सो अराउंड $1200 का डिश बना विथ चिकन रोगन जोश विथ राइस। इट्स नॉट दैट मच कंपेयर टू इंडिया। हमेशा दिमाग में आता रहता है ना, फॉरेन में आओ तो कंपेयर करो इंडिया का प्राइस क्या है, यहाँ का प्राइस क्या है। घर पे जो मैं कह रहा था कि थोड़ा राइस बचा हुआ है फ्रॉम द यूरुग्वाइन लेडीज, तो देखते हैं कि उसके साथ एक्स्ट्रा थोड़ा हो जाएगा, देन विल हैव आवर बेली फुल एटलीस्ट फॉर सम टाइम। हॉस्टल का लोकेशन काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, इट्स लाइक व्हाट इवन नॉट इवन 100 meters फ्रॉम द क्वींसटाउन सिटी। दो लोग के लिए काफ़ी क्वांटिटी है। Seems like she is relieved finally finding some Indian food. Yeah. Although I would have preferred some affordable price. और फिर लंच के बाद बाकी का दिन हम थोड़ा क्वींसटाउन सैर करने निकले। What is this made out of? A pottery, it's ceramic. Is it something different in New Zealand? About ceramic? Oh, it is New Zealand clay, but it's just a handmade ceramic spoon. It's for salts and sauces and that sort of thing. Yeah. So we went into the eyesight. As I told you earlier, the eyesight is the information center across New Zealand for each town. They have a few of them. And we, you know,
got a few pamphlets for free to understand about Arrowtown. A few. Yeah, let's go in. So. Passion fruit cheesecake that we ordered along with an Argentinian caramel ice cream. Come, it's yummy. Parlor. Prochondo bhalo khete. Interesting thing happened. Amra ekono ei Patagonia chocolate se hi achi. Ar amra ektu baire baire theke video call korchhilam nijer bondhu bandhoderke to banglay kotha bolchhilam. So there is one guy here who works Bangladesh theke. So আমাদের কথা শুনে he spoke to us and he introduced himself to us and then he started speaking to us. So বেশ কথা বলতে বলতে বেশ ভালো লাগলো, কথা বল শুরু হলো and বাইরে এত ঠান্ডা আমি কাঁপছিলাম, মানে পিকুও কাঁপছিল এখানটা বলে. So he invited us back Patagonia-তে and now he is offering us to a hot chocolate again. ইন্টারেস্টিং, বাইরে আসলে বাঙালি হঠাৎ করে পেয়ে যাওয়া, স্পেসিফিক্যালি নিউজিল্যান্ড যেখানে বাঙালিরা খুব একটা আসে না, ফরেন ল্যান্ডের মধ্যে যদি বলা যায়, মানে প্রবাবলি আমি তো খুঁজে পাইনি কাউকে যারা বাঙালি নিউজিল্যান্ডে এসছে, বাট দেন ও হয়তো খুঁজে পাইনি. বাঙালিরা খুব একটা আসে না আনটিল আনলেস ইউ নো প্রবাবলি আমার, হ্যাঁ আমার এক বন্ধু এসেছিল বাট I don't know how they planned it or something. I don't know if they planned it like me, all self-planned chilo kina. But then again, Bangali is khub rare New Zealand. Tarpore dekha pe hoyto jodi o jemni feel koreche ki like Bangali beshi kotha boli and then thank you so much. Ami just start korechhilam vlog ta, so I was introducing you that Bangali page এমনি বাইরে একটা ভালো লাগে, সেই ব্যাপারটাই কথা বলছিলাম. তো হিজ নেম ইজ জয়, তো উই জাস্ট গট ইন্ট্রোডিউস রাইট নাও অ্যান্ড ইজ অফারিং আস হট চকলেট, দ্যাট ইজ ভেরি কাইন্ড অফ হিম, বাট থ্যাংক ইউ সো মাচ ফার্স্ট. Yes, sir. You didn't bring yours? Hot chocolate, like, who is the best hot chocolate in the Queenstown? पहुंचे तो ये है हमारा फर्क बर्गर का एक्सपीरियंस. Good time, actually a strategic way to have burgers here is during the off hours. So it was raining and it's already dark, like 8:30, more than 8:30. So ikhane eshe we ordered a pork burger. I ordered a pork burger with Swiss cheese and onno holo sweet chili. দেখি বললো 10-15 মিনিট লাগবে, বাট থ্যাঙ্কফুলি দের ইজ নট আ হিউজ লাইন, দ্যাট ইজ জেনারেলি দ্য কেস. দের ইজ জেনারেলি আ ম্যাসিভ লাইন ইন দ্য পাগ বার্গার দ্যাট স্ট্রেচেস আপ টু অলমোস্ট দ্য শর্ট ওভার স্ট্রিট অ্যান্ড ইভেন দ্য ক্যাম্প স্ট্রিট, যেটা সোজা এখানে মোটামুটি দুটো গলি ছাড়িয়ে. বাট আজকে অতটা, বাট আজকে লাইন ছিল, বাট বর্ষার জন্য বৃষ্টির জন্য হয়তো নেই, আর সন্ধ্যাবেলা আমরা অফ টাইম এসছি ওই জন্য অতটা নেই. পর্ব আগে একটা
ছোট বার্গার কোম্পানি ছিল, ভেরি স্মল বার্গার শপ। বাট দ্য স্টোরি ইজ কি এক ট্রাভেলার আয়া থা ইয়াহ পে, জাস্ট লাইক ওয়ান অফ দ্য ব্যাকপ্যাকার্স, বাট হি ওয়াজ প্রবাবলি আ ফেমাস ওয়ান, অর হিজ রাইটিং হিজ ব্লগ উইল প্রবাবলি ফলোড বাই আ লট অফ পিপল, অ্যান্ড হি হ্যাড আ বার্গার হিয়ার জাস্ট টু ট্রাই ইট আউট, and he found it lovely and wrote a review, and probably one of the earliest influences who led to led to be a blessing in disguise for the Pug Burgers, the Pug company, as you can say right now, because now they have expanded to Pug Bakery, which is right beside this. There is a Pug Gelato on a shop ahead. The next one here on my Tiku's back, there is a Ferg bar. So Ferg hi Ferg ho gaya hai, pura Ferguson ban gaya hai. Bad joke, but you know, that is how it expanded. Both are massive burgers. Turkish kebab, doner kebab jeta bolchilo na, eto khawar er dike na again. জানি চ্যানেলটার নাম টুডিজ, বাট আমরা ফুডিজ হিসাবেও বার্গারটা বেশ বড়। এই নিউজিল্যান্ডের লোকেরা বিভৎস খেতে পারে ভাই, যখন খায় আর কি, বা অ্যাটলিস্ট খাওয়ায় আর কি। ইট ওয়াজ ম্যাসিভ ওয়ার্ডটাই আই থিঙ্ক বলা ঠিক হবে। লিটারালি আই থিঙ্ক ইটস আ হোয়াট 8 inch 6 inch ha 6 inch 6 inch to 6 inch width er burger aur height e 2 hai na half 3 inch 3 inch hobe 2 and a half 3 inches er burger packed with whatever filling jo tumi order diyecho duto mile it cost us $32.8। ষোলোশো টাকার বার্গার খেয়ে ফেললাম। क्या आपको पता है क्वींसटाउन का नाम क्वींसटाउन कैसे पड़ा? कहा जाता है क्वींसटाउन की खोज ब्रिटिश एक्सप्लोरर विलियम जी रीस ने किया था सन 1860। यहाँ वो अपनी पत्नी फ्रांसिस रिबेका गिल्बर्ट से इंग्लैंड में शादी करने के बाद सेटल हो गए। एक बड़ा सा खेत लेकर किसान बन गए। ग्लेनॉर्ड की ट्रिप जाने के लिए जहाँ से हमारा पिकअप हुआ वहाँ उनका खेत हुआ करता था और उस जगह को कैंप स्ट्रीट कहते हैं। इसलिए क्वींसटाउन का नाम कैंप टाउन था और क्वींसटाउन एयरपोर्ट जो फ्रैंकटन में है क्वींसटाउन से थोड़ी ही दूर पर, उसका नाम ग्रीस की पत्नी फ्रांसिस के नाम पे उन्होंने रखा। लेकिन कैंप टाउन को क्वींसटाउन में गोल्ड माइनर्स ने बदला ये कहकर कि इतनी सुंदर जगह एक क्वीन एक रानी के लिए ही उपयुक्त है। सिंपल, यहाँ के गोल्ड माइनर्स की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको क्वींसटाउन से एरोटाउन ले चलेंगे।